जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को पता है परसों यानी कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है और पूरे देश भर में राम मंदिर के शुभारंभ की धूम मचाई जा रही है और ऐसे में घर घर में मंदिरों में हर जगह पूजा का आयोजन है। और आप सभी भी, हम सभी को पता है कि आप सभी भी घरों में पूजा तो जरूर करोगे, तो ऐसे में रामलला के लिए मैं यहाँ पे आज की लाइव वीडियो में भोग प्रसाद की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप सब बड़ी आसानी से बना सकते हो और एकदम क्विक और आसान बन जाने वाली ये मिठाई है जो आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं स्मृति। आज की लाइव वीडियो में मैं यहाँ पे रामलला के भोग के लिए प्रसाद बनाना बता रही हूँ, तो आप सब इस रेसिपी को जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। परसों यानी कि 22 जनवरी को आप सब ये खास मिठाई रामलला के भोग के लिए बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं और ये जो मिठाई है ना वो हम बना रहे हैं नारियल की बर्फी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ये नारियल का बुरादा लिया था और ये सूखा नारियल है और ये देखिए ये आप फ्रेश भी ले सकते हो, जैसे कि मार्केट में सूखा भी मिलता है इस तरीके का नारियल का बुरादा, या फिर आप ताजे नारियल को भी ना एकदम बारीक बारीक ग्रेट करके या फिर उसको ग्राइंडर जार में पीस के भी ले सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो। तो ये पैन में मैंने 2 बड़ी चम्मच जितना घी डाला था और घी डालने के बाद मैंने यहाँ पे ये नारियल का बुरादा डाल दिया है और इसको हमें बढ़िया तरीके से ना 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। इसे धीमी आंच पर ही भूनिएगा ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। पूजा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, थैंक यू आपका कमेंट के लिए। तो और क्या विशेष तैयारियां कर रहे हैं आप परसों के लिए प्राण प्रतिष्ठान के लिए? और आप ये अगर मिठाई बनाना चाहें तो मिठाई बना सकते हो, आप सबको बेहद पसंद आएगी और बहुत ही आसान भी है, क्विक भी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने भून लिया है इसको बस 2-3 मिनट के लिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, देश विदेश के कौन से कोने से देख रहे हैं, तो आप सब मुझे कमेंट में अपने सिटी का नाम जरूर लिख के बताइएगा। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें हमें देखिए 1/2 कप लेना है मिल्क पाउडर, तो कोई सा भी डेयरी वाइटनर मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें लेना है यहाँ पे फ्रेश क्रीम, तो घर की मलाई जो होती है ना वही मैंने यूज की यहाँ पे, या फिर आप बाजार की जो फ्रेश क्रीम आती है मलाई वो भी आप ले सकते हो। तो ये दोनों 1/2 कप लेना है हमें और दोनों को हमें अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा इंस्टेंट मावा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको मिल्क पाउडर और मलाई जो होती है दोनों को मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बढ़िया सा होममेड मावा बनके तैयार हो गया और इस तरीके से जो मिठाई बनके तैयार होगी ना वो काफी स्वादिष्ट लगती है और काफी आसान हो जाता है। घर के बेसिक सामान से आप इसको बना सकते हो, तो कोई ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। और यहाँ पे मीठे के लिए ना हम यहाँ पे आज गुड़ का यूज करेंगे, तो चीनी की जगह पे आप गुड़ का ही यूज कीजिएगा। तो 1/2 कप देखिए मैंने यहाँ पे जैगरी पाउडर लिया है, तो गुड़ के पाउडर का यूज किया है मैंने, तो जितना आप मीठा पसंद करते हो। तो मैंने 1/2 कप से बस 1-2 चम्मच ज्यादा यहाँ पे यूज किया है इस बर्फी को बनाने के लिए। तो हम ये बहुत ही लाजवाब नारियल की बर्फी बना रहे हैं। तो हमारा जो नारियल हमने घी में भुना था ऑलमोस्ट भून गया है, अब हम इसको गुड़ के साथ चलाते हुए पका लेंगे। आप साबुत जो गुड़ होती है ना, जो नॉर्मल गुड़ होती है, उसको भी आप इसमें कद्दूकस करके ग्रेट करके डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे गुड़ के पाउडर का यूज किया है। सुनीता जी कुरुक्षेत्र से जुड़ी हैं, मनोरमा जी जुड़ी हैं, धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आप भी राम जी की पूजा के लिए और घर पे पूजा कर रहे हो तो आप भी ये भोग प्रसाद जरूर बनाना जो कि बहुत ही
क्विक है बनाना और बहुत आसान भी है। तो देखिए बस 1-2 मिनट ना हमें इसको यहाँ पे चलाते हुए भून लेना है। उसके बाद हमने जो मलाई यहाँ पे मलाई और मिल्क पाउडर को मिला के रखा था ना, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब तो मेजरमेंट मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 1 कप हमें नारियल का बुरादा लिया था और उसके साथ आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप ही हमने मलाई ली है और दोनों को मिक्स कर लिया है यहाँ पे। और जैगरी पाउडर जो है गुड़, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप मीठा पसंद करते हो कम ज़्यादा उस हिसाब से डाल सकते हो। मैंने आधा कप से बस थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अब देखिए इसको हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और एकदम देखिए एकदम लाजवाब शानदार बर्फी बन के तैयार होगी। मैं पूरी बर्फी बन जाने के बाद भी दिखाऊंगी आपको। तो कोई भी मिठाई हम बनाने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी झंझट और बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें यूज होती हैं और महंगी चीज़ें कई बार हम यूज नहीं करना चाहते। पर आज ये जो मिठाई मैं बनाना बता रही हूँ आपको नारियल की बर्फी की, वो बहुत ही आप बेसिक चीज़ों से घर के इंग्रेडिएंट से बना के तैयार कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया आप ताजे नारियल से भी बना सकते हो उसको ग्रेट करके पीस के, या फिर आप जो नारियल का बुरादा होता है सूखे नारियल को भी आप ग्रेट करके बना सकते हो। अब देखिए इसकी ना हमें अच्छे से भुनाई करते हुए इसको 4-5 मिनट के लिए पका लेना है। जैसे इसका कलर हल्का सा थोड़ा डार्क होने लगेगा ना तब तक हमें इसको पकाना है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आप सबको नारियल की बर्फी खाना कैसा लगता है। आप कोई भी पूजा पाठ हो तो भोग के लिए बना सकते हो। जैसे मैंने खास ये रामलल्ला के भोग के लिए बनाना बता रही हूँ आज। और कोई भी पर्व त्यौहार हो खास ओकेजन हो तो भी आप इस मिठाई को मिनटों में बना के तैयार कर सकते हो। सांची जी जुड़ी हमारे साथ, थैंक यू। तो आप सब कमेंट करते रहना दोस्तों कहाँ से जुड़ रहे हो और आप लोगों को ये मिठाई कैसी लगती है। तो देखिए कितनी जल्दी हमने सभी चीजें डाली है और एकदम सूखने लगी है, एकदम जैसे बर्फी जमाने की जो कंसिस्टेंसी होती है ना एकदम डो वाली, वैसे फॉर्म में ये आने लगा है। तो बस हमें जैसे कि मैंने बोला आपको बहुत इजी है इसको बनाना और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको झटपट 10 मिनट के अंदर बना के घर में तैयार कर सकते हैं। बस जो मलाई और मिल्क पाउडर हमने डाला है ना उसका कच्चापन खत्म हो जाए और सभी चीज़ें हल्की सी पक जाएं तब तक हमें इसको भूनते हुए पका लेना है। तो इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही चलाते हुए पकाइएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी तरह से अच्छे से सिमटने लगेगा। और पहले ही हमने इसमें घी डाला है बस 2 चम्मच। आप चाहें तो बाद में भी इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। और बस लीजिए हमारा ये मिठाई बर्फी का जो बेस है ना वो बनके तैयार हो गया है। तो सारी चीजें आप देख सकते हैं आपस में कितनी बढ़िया तरीके से एक साथ हो गई हैं। और
और खाने में ना ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लाजवाब लगती है, तो आप सब जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए अब हम इसको सेट करने के लिए, बर्फी को जमाने के लिए आपको दिखाते हैं कैसे हम इसको सेट करना है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी प्लेट ले लीजिए, बेकिंग टिन ले लीजिए, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले लिया है प्लेट, और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है, और बटर पेपर को मैंने अच्छे से ग्रीस भी कर लिया है यहाँ पे। तो मिनटों में बन जाने वाली हमारी ये मिठाई है जो हम यहाँ पे बना के तैयार कर रहे हैं, और ठंडा होने के बाद इसको सेट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कुछ ही देर में ये 15-20 मिनट में ठंडा होगा। या तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और ये एकदम बढ़िया तरीके से ना जम के तैयार हो जाती है। फिर आप इसको कट कीजिए, तो अभी मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से ना आप जितना पतला चाहे उसको रख सकते हो। ऊपर से आप चाहे तो इसमें नट्स वगैरह जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कोई नट्स वगैरह नहीं डाला, इसको सिंपल ही बनाया है। ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए पहले से भी मैंने यहाँ पे जमा के रखा हुआ है, और ये हमारी जो बर्फी है कोकोनट की, गुड़ की और मलाई मिल्क पाउडर की एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे जम के तैयार हो गई है। अब इसके जो एजेज है ना वो हम यहाँ पे इस तरीके से खोल लेंगे, और फिर हम इसको प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये सेट हो गई है। अब इसको आप चाहें तो ऐसे ही अपने मन चाहे आकार में इसको काट के है ना सर्व कर सकते हो, और चाहे तो आप इसको और डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे पास चांदी का वर्क था, तो अगर आपके पास है तो लगाए, वरना आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बस वो बाजार वाला लुक आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे चांदी का वर्क यूज कर रही हूँ। तो बस देखिए इतने में ही मैंने लगा दिया है। इसको दबा लेंगे और फिर हम इसको कट करेंगे। तो एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी हमारी यहाँ पे तैयार हुई है नारियल की, जो कि आप खाओगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने नारियल से बनाया है। तो मैंने तो यहाँ पे रामलला के लिए भोग तैयार कर लिया है, अब आपकी बारी है। आप भी इस रेसिपी को देख के फटाफट से रामलला के लिए भोग प्रसाद ये नारियल की बर्फी बना के तैयार कर लीजिए। यकीनन सबको बहुत पसंद आने वाली है, इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप इसको हर त्यौहार पे बना के खाना पसंद करोगे। और ये देखिए बर्फी कितनी बढ़िया तरीके से हमारी सेट हुई है। आप इसको आराम से 10-15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो आप सब से उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के दिन ये रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे भोग प्रसाद के लिए। और आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा।
ये नारियल की बर्फी आप सब जरूर बनाना और अपने घर वालों दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक और नई लाइव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।